भारत अब वो 62 वाला भारत नहीं है भारत इवन अब वो 2000 10 वाला भारत भी नहीं है 2012 वाला भारत भी नहीं है तो भारत ने फिर इनको दिखाया भारत को ये पता था कि चीन को पैगाम मिलेगा बड़ा प्यारा कसम का ना ये पैसे के पीर हैं, पैसे से मिलेगा उन्होंने तो सारी ऐप्स बन है आपकी 1.3 बिलियन का कंट्री है हमारा तो जरा चला के देखो ऐप अब वही मैसेज अमेरिका दे रहा है वही मैसेज अब यूरोप से आ रहा है तो चीन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि एक चीज जो मैं भी कभी-कभी नहीं समझ पाती वो ये कि हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा है भारत में ठीक है ये इधर करा रहा है उधर करा रहा है तो अब पाकिस्तान को क्या फायदा होता है ऐसा ऐसा करके अगर वो कर रहे तो देखिए पाकिस्तान वाजे तौर पर आ, पाकिस्तान की आर्मी जंग तो कर नहीं सकती कश्मीर रेटरिक है कश्मीर पे पाकिस्तान आर्मी 90 परसेंट जस्टिफिकेशन है उनकी एग्जिस्टेंस की तो भाई ये कश्मीर का मसला हल हो गया तो छुट्टी फिर क्यों चाहिए आपको आर्मी फिर तो पीछे एक छोटा मुल्क अफगानिस्तान रह गया वो वो वैसे भी बरदर इस्लामी मुल्क हम कहा करते थे वैसे उससे आजकल ज्यादा खतरा है भारत से भी ज्यादा वो एक अलग बहस है अब चक्कर ये है कि अब कश्मीर में ये जाके या भारत के साथ जंग तो कर नहीं सकते चूंकि सेवेंटी वन में यानी ये आज का भारत तो बड़ा मॉडर्न है अपनी मिलिट्री एक्वमेंट्स और मिलिट्री डेवलपमेंट्स के अतबार से सेवेंटी वन में ये नाइन्टी थ्री थाउजेंड प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे सेवेंटी वन में यानी कितने साल पहले की बात है बेतालीस तरतालीस साल पहले की तो अगर बेतालीस तरतालीस साल पहले इनकी ये थी तो अब ये किस ओकात उक, पे खड़े होंगे अभी आप ही के सामने बालाकोट में वो ये चलिए जी ये है कि उन्होंने वो तैयारे आए ये कहते हैं कि वो नहीं था कैंप भारत कहता है चलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ता भाई ये तो काफी है ना शर्म के लिए कि आपके सोविरन कंट्री में गुस्से भारत के दर्जन के करीब त्यारे 80 टू 90 किलोमीटर इनसाइड आए वापस गए कुछ ना कर सके आप तो इसका मतलब यह है कि आपके तिलों में तो जितना वो तेल है वो पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया तो फिर ये रास्ता टेर्रिजम का ही रह गया ना प्रॉक्सी का रह गया अब भारत की जो पिछली सरकारें हैं वो बड़ी कमजोर होती थी अपने नेरेटिव के एतबार से वो पता नहीं क्यों होती थी मुझे हैर अंदाज़ा है मैं उस की बस में फिर कभी जाऊंगा तो वो बस ना ऐसे ही पाकिस्तान के वो आ जाते थे पाकिस्तान की बिरयानी और गजल के वो धोखे में तो वो कहते थे ठीक है जी वो ठीक है कोई नहीं पीस पीस स्टॉक कर लेते हैं मोदी साहब ने कहा कि भाई पीस स्टॉक करते रहे मोदी साहब अपने अपनी पहली सरकार में नवाशिल से मिलने बग़ैर इनविटेशन के आए इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया फिर उसके बाद पठानकोट हो गया आ, वो उनके यहाँ तो उन्होंने ये तय किया मोदी सरकार के आखिरी दो ढाई साल में उन्होंने तय किया कि नफ़ ए अब जो दूसरी सरकार है उनकी उसमें भी वही एटीट्यूड उनका चला आ रहा है अब ये क्या करें अब ये ज्यादा से ज्यादा शोर डालेंगे यू एन ओ में जाकर तकरीर शर करेंगे अब हु अबाउट दैट तो फिर इनके पास रास्ता ये है कि इनफिल्ट्रेट करें फायदा आपने पूछा क्या इनको फायदा फायदा ये है कि अगर ये होगा तो पैसे आएंगे ना अगर ये सब कुछ एक्टिविटीज नहीं होगी तो आर्मी किस एतबार से अपनी वो बनाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट बनाएंगे कि भाई हमें पैसा चाहिए अवाम गरीब अवाम का बजट हमने खाना है तो वो यही है कि भाई कश्मीर है भारत हमारे सर पर सवार है और कुछ कार्रवाइयाँ होंगी कुछ लोग मरेंगे एल पे कुछ ये बंदे घुसाएँगे आएंगे शाह महमूद क्रैशी कश्मीर 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 करेंगे इमरान ख़ान साहब कश्मीर की गर्दान करेंगे तो जस्टिफाई होगा तो ये ये फ़ायदा है सब प्योर पैटी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तो इस सारे खेल में इनका ये था कि अगर हम कार्रवाइयां करेंगे बम धमाके करेंगे अफगानिस्तान में अटैक करेंगे जो अभी भी होते हैं ऑन एंड ऑफ तो हमारी कोई वैल्यू होगी ना देखिए ना एक जो दादागीर होता है जो बदमाश होता है वो जब तक मोहल्ले में या इलाके में बम नहीं फाड़ेगा तो उसकी क्या अहमियत होगी उसका कारोबार नहीं चलेगा तो इससे पाकिस्तानी गरीब अवाम बेचारी जो है ना वो पिस रही है इनके दादागिरी की वजह से करने के ये कुछ काबिल नहीं है हैं ये अपने ही बाटी गेट के मोहल्ले में बड़के लगाने के बाटी गेट से बाहर निकल के ये बड़क लगा के तो जरा दिखाएं अब किसी जगह पर इनकी बड़क नहीं चलती इवन अफगानिस्तान के बॉर्डर पर नहीं चलती वो वह, वहां से ऐसा खौफनाक अटैक हो होता है कि ये बाग के पीछे आ जाते हैं छोटा मुल्क है इनकी नस्बत तो वो वहां नहीं चलती तो भारत तो अब मोदी जी के सरकार में तो अब ये भूल जाएं कि किसी किस्म का ये कोई बड़ा वेंचर कर सकते हैं वहां पे लेकिन सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर हम चाइना की बात करें कि चाइना के साथ जो इंडिया की टेंशन इस सब चल रही है कि अमेरिका ने अपनी हर जंग जो है वो कहीं और लड़ी है तो अब जैसे अमेरिका और चाइना का टसल है बीच में बेसिकली तो वो इंडिया को बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं कि इंडिया और चाइना को लड़ाके यानी वो इंडिया ऑफ कोर्स चाइना को सपोर्ट अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और इंडिया जो है अमेरिका को तो वो अमेरिका की जंग जो है जैसे हम बीच में पड़े थे अमेरिका की जंग में अफगानिस्तान में और उधर पाकिस्तान भुगत चुका है ना तो वही चीज अब इंडिया के साथ होने तो नहीं जा रही है क्योंकि अगर ये सब टेंशन ना हो चाइना के साथ ना हो टेंशन पाकिस्तान के साथ टेंशन ना हो तो इनके हथियार कौन खरीदेगा और फिर ये लोग दोनों कंट्रीज आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं पाकिस्तान भी कर सकता है थोड़ी बहुत और थोड़ी बहुत से भारत भी कर सकता है अगर हम ये अपने डिस्प्यूट खत्म करें किसी तरीके से और ये जो एक एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान के हर वक्त खड़े रहते हैं अगर ये चीज ना हो लेकिन अमेरिका और कैनेडा भी तो रहते हैं ना और इसी देख... तरह से कई कई कंट्रीज हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते देखिए बात बड़ी सिंपल है पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिलेशनशिप रहा वो अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप से बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान जब इनकी जहादी जंग में शामिल हुआ था फिर वार ऑन टेरर जहादी जंग सोवियत के ख़िलाफ़ जो थी सेवेंटी नाइन से फिर नाइन अलेवन के बाद इनकी वार ऑन टेरर से तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट को सूट करती थी कहने को यही कहने को तो ये यही कहते हैं जी कि हम हम ख़ाम की जंग कैसा बने ये आप सुबह शाम इमरान ख़ान से जो इस वक्त पॉपिट हैं आर्मी के वो यही बोलते रहते हैं और एक ज़माने में जो आई एस पी आर के जनरल आसिफ गफूर होते थे वो भी ऐसी बातें किया करते थे अब जरा आई एस पी आर में वो उस तरह की बातें नहीं होती तो ये नेरेटिव की हद तक तो ये ठीक है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन ये चूंकि इनका अपना कारोबार था चाह था जहाद फी सभी पाकिस्तान आर्मी का लोगो है ठीक है ना यानी वो कोई भी दुकान होती है ना जैसे हाँ हमारा स्टूडियो तो हमने बाहर लगाया वो टैग टी वी ठीक है लीडिंग साउथ एशियन चैनल तो इनके बार बोर्ड लगा हुआ है जहाद फी सबील अल्लाह यानी ये इनकी दुकान है जिसका काम है कारोबार है अल्लाह के नाम पे जहाद करना तो इनका तो क्लाइंट था अमेरिका सेवेंटी नाइन में भी और नाइन नाइन अलेवन के बाद भी तो इनको तो ये तो आज भी मैं आपको दावे से कहता हूँ आज भी कोई खुदावन करीम इनको जहाद के कारोबार की कोई दे अपॉर्चुनिटी दे तो ये कूद के उसमें घुसेंगे पहले सत्तर हजार लोग कहते हैं हमारे इस जहाद की वजह से मरे थे अब बेशक एक लाख सत्तर हजार मर्जी इनको घुपरवाए इनका कारोबार चले तो यह तो उसके लिए मुंतजर मुतजर यह बिल्कुल मुख्तल है बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है इंडिया के साथ अब इंडिया की सूरत हाल इंडिया की इंडिया कोई इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की वजह से चीन के साथ नहीं आ रहा इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चीन के साथ बहुत पुराना है 62 की वार जो है उससे भी पहले चला आ रहा है लेकिन 62 की वार में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जन्म लिया और उसके बाद इंडिया और चाइना ने कोशिश करके अपने तजारती तलक्य रखे मगर कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं हुआ ठीक है वो जो हमालिया की पट्टी पे जो जो सरहदें हैं वो हमेशा ही हॉट रही हैं कभी थोड़ी सी सर्द होती थी लेकिन उसमें कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता था अब जो रिसेंटली जो हुआ वो बढ़ते हुए ये हुआ कि अभी रिसेंटली मैं कोविड की बात नहीं कर रहा या अभी जो लद्दाख इसमें हुआ उसकी बात नहीं कर रहा ये दो ढाई साल पहले जो दो कलाम में हुआ उससे पहले भी ये हो रहा था मगर दो दो कलाम का वाक्य पूरी दुनिया के सामने आया फिर इंडिया का हमेशा से ये जो पाकिस्तान ने तोहफ़ा दिया था बरदर मुल्क आ, चीन को वो जो अक्साई चीन का इलाक़ा उसकी वजह से भी रहा मसला गिलगत बलतान भी ये टेंशन तो उनकी हमेशा रही अब ऑन ऐड ये हुआ है अमेरिका और चाइना के जो आ, जो हैं वो बड़े हैं क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं मैं सुबह शाम फॉलो कर रहा हूँ एक दो थिंक टैंक्स हैं जो ये काम करते हैं चाइना अमेरिका के रिलेशनशिप के साथ मैं भी उनके साथ काम करता हूँ मेरा बिल्कुल फर्स्ट हैंड मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अमेरिकन जैसव कर क्या रहे हैं चाइनीज ने इतनी बेजाबतगियाँ की इतने ज़्यादा कारोबारी मैस किए उन्होंने कैपिटलिज्म के फायदे तो अमेरिका से लेने की कोशिश की मगर जब चीन में कैपिटलिज्म की सहूलतें दुनिया उनसे मांगती है तो वहाँ वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं ये वो टेंशन चली आ रही थी कोविड नाइनटीन जो से कहते हैं ना तबूत में आखिरी कील साबित हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए सर ये अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है किया के आ, जो हैं सॉरी उसके पराग से अभी गए हुए थे उनके एक सैनिटर आ, ताइव, आ, ताइवान व, वो रो रहे थे कि चीन का कितना इंसल्टिंग रवैया है कल जर्मनी के फॉरन मिनिस्टर ने इस पर बात की है हम कनाडा वाले इतना ज़्यादा चीन के हाथों तंग हैं कि आपको बता नहीं सकते हर एतबार से तो ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस नहीं है आ, चाइना ये वेस्ट तंग आ गया कोविड नाइनटीन ने साबित कर दिया कि जिस तरह चीन ने इस वायरस के बारे में इतलात खुफिया रखी दुनिया को नहीं बताया दुनिया को अपनी लेबॉर्टरीज तक एक्सेस नहीं दी चूँकि ये इंटरनेशनल मसला था पूरी दुनिया में पैंडमिक फैला है जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अपने काबू में किया इस वक्त अमेरिका में सदर ट्रंप ही या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही चाइना से नहीं तंग इवन जो बाइडन भी बार बार कह रहे हैं कि वी आर इन नफ ऑफ दिस चाइना इवन जो एस्टेब्लिशमेंट है जो को जो भी सरकार बनेगी हर मुल्क की होती है, अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है इेस्पेक्टिव कि आगे कौन जीतता है वो भी अब तंग आई हुई है इन्होंने उनके भी नाकों चने दिए, कि वालों के साथ इंटरनेशनल ट्रीटी कि तो तो का रवैया उस रवैये की वजह से चीन ने मसल्स दिखाने शुरू किए भारत को एग्रेसन किया जब भारत को मसल दिखाए तो भारत अब वो सिक्सटी टू वाला भारत नहीं है भारत इवन अब वो दो हजार दस वाला भारत भी नहीं है दो हजार बारह वाला भारत भी नहीं है तो भारत ने फिर इनको दिखाया भारत को ये पता था कि चीन को पैगाम मिलेगा बड़ा प्यारा कसम का ना ये पैसे के पीर पैसे से मिलेगा उन्होंने सारी ऐप्स मानना है आपकी वन पॉइंट थ्री बिलियन का कंट्री है हमारा तो जरा चला के देखो ऐप अब वही मैसेज अमेरिका दे रहा है वही मैसेज अब यूरोप से आ रहा है तो चीन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है